बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे या ऑफिस से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपने अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए उर्दू टाइप कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, पीछे एक ज़बरदस्त सा अपने मन चाहा बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी भैया, तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि आज हम एक उर्दू टाइपिंग ऐप के बारे में बात करेंगे। उसको डाउनलोड करने के लिए हम अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे फोटेक्स बेसिक। ये ऐप हमारे सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप इसकी रेटिंग और डाउनलोडिंग भी चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ऐप है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है, ठीक है। अगर आप बॉटम पर देखें तो हमें चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, स्टिकर और फ्रेम है। यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड पर जाएंगे और अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। एक यहाँ पर सॉलिड कलर्स अवेलेबल हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रैंडम पे जाएंगे तो हमें जो इनके अवेलेबल बैकग्राउंड्स हैं वो हमें शो होते जाएंगे, ठीक है। आप लोग गैलरी से भी कोई बैकग्राउंड ले सकते हैं और यहाँ पे जो बैकग्राउंड अवेलेबल है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ऑल बैकग्राउंड्स में से जाकर सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी का बैकग्राउंड, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा उर्दू कीबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी का टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और उसको डन पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारे बैकग्राउंड पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने रमज़ान मार लिखा, इसको यहाँ से जूम कर लेते हैं, स्मॉल साइज़ कर सकते हैं, इसका साइज़ ग्रेटर कर सकते हैं। देन यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे, इसका फॉन्ट चेंज करें। यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश टाइपिंग के फॉन्ट्स भी अवेलेबल हैं और उर्दू टाइपिंग के भी। यहाँ से आपको जो फॉन्ट अच्छी लगती है, जो सूटेबल लगती है, आप उस फॉन्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर प्री सेट पर जाएंगे तो प्री सेट पर ऑलरेडी हमें टेम्पलेट्स दिए गए हैं राइटिंग के, उनके शेडो, उनके कलर्स, उनके बैकग्राउंड सब। तो यहाँ से आप लोग वन बाय वन भी हर चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, देन उसका शेडो सेलेक्ट कर सकते हैं और प्री सेट पर जाके आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मुझे इसका शेडो की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं रिमूव कर रही हूँ शेडो को। देन हम लोग यहाँ पर आपको साइज़ दिया गया है, स्पेसिस दी गई है, लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, देन अलाइन कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन यहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन है, जैसे हम लोग फ्रेम के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रेम्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रेम चूज़ कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ से हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, PNG या JPG। देन क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें किस क्वालिटी में पिक्चर चाहिए और उसको हम यहाँ से सेव टू गैलरी करेंगे, वो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।